हमीरपुर के टाउन हॉल में 48वीं जिला स्तरीय 3 दिवसीय ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता आरंभ हो गई। इस प्रतियोगिता का शुभ आरंभ स्थानीय विधायक नरेंद्र ठाकुर ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेलें जहां मनोरंजन करती हैं, वहीं अनुशासन प्रिय बनाकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। खेलें हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, जिससे शारीरिक विकास के साथ मानसिक विकास भी होता है। उन्होंने कहा कि खिलाड़ी खेल को भावना के साथ खेलें तथा अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन करें, जिससे खेल प्रेमियों को बढ़ावा मिले, जिससे खेल प्रेमियों को एक बढ़िया खेल देखने को मिले। उन्होंने खिलाड़ियों से आह्वान किया है कि वे नशे से दूर रहें तथा अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए करोड़ों रुपए व्यय कर रही है तथा हमीरपुर में भी खिलाड़ियों की सुविधा के लिए शीघ्र ही इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। आज मैं धन्यवाद करना चाहूंगा जिला बैडमिंटन एसोसिएशन का, जिन्होंने आज ओपन डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप आयोजित यहाँ पे करवाने की शुरुआत की और मुझे भी इस प्रतियोगिता में शामिल होने का इन्होंने अवसर दिया। स्पोर्ट्स आप सभी जानते हैं, ये एक स्कूल में एक बच्चा या कोई इंडिविजुअल उसकी लाइफ में कितना महत्व है। जहाँ तक बैडमिंटन का प्रश्न है, हमारे भारतवर्ष का स्टैंडर्ड जो बहुत ऊंचा जा चुका है, वर्ल्ड लेवल का स्टैंडर्ड है यहाँ पे, लेकिन हमें इस बात का अफसोस भी है कि जो फैसिलिटी हमारे बच्चों को, हमीरपुर जिले के बच्चों को बैडमिंटन भी उसमें शामिल है चाहिए, वो उस लेवल तक नहीं है। हमारा ये प्रयास रहेगा और शुरू से ही जब इस बार हमारी सरकार बनी है, मैंने हमीरपुर में एक बढ़िया सा इंडोर स्टेडियम हो इसके लिए सीएम साहब से मैंने निवेदन भी किया है। हम जगह भी ढूंढ रहे हैं और लग रहा है कि जगह भी हमें मिल जाएगी, तो मेरा ये प्रयास रहेगा कि आने वाले समय में हमीरपुर को एक बढ़िया इंडोर स्टेडियम मिले, इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। हमारी सरकार भी इसमें पूरा सहयोग देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस अवसर पर जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष सुशील कुमार सोनी ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता में जिला हमीरपुर से लड़के तथा लड़कियों के अंडर 13, 15, 17, 19 तथा वरिष्ठ वर्ग में 250 से भी अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने संघ की गतिविधियों पर विस्तार से प्रकाश डाला तथा खिलाड़ियों से आग्रह किया कि वे इस प्रतियोगिता में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए जिले तथा प्रदेश का नाम रोशन करें। अंडर 13 लड़कों के वर्ग में हुए मैच में शिवांग ने राहुल को, आर्यन ने आर्यन भारद्वाज को, कार्तिक ने विनायक को तथा आयुष ने दिव्यांश को पराजित किया। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, जिला बैडमिंटन संघ के महासचिव राकेश होंडा, वेद प्रकाश शर्मा व उनके अभिभावक मौजूद थे। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप हमीरपुर के टाउन हॉल में 16 जुलाई को शुरू हुई। इसका उद्घाटन शुभारम्भ हमीरपुर के माननीय विधायक श्री नरेंद्र ठाकुर ने किया और इसका समापन 18 जुलाई को होगा। इस प्रतियोगिता में हमीरपुर जिला के लगभग 300 खिलाड़ी भाग लेंगे, जिसमें अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 19 तथा सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता होगी। इसमें हमारे जिला के लड़के तथा लड़कियां दोनों खिलाड़ी भाग लेंगे। इसके बाद हमारी जो एसोसिएशन एक चयन समिति बनाएगी, जो कि हमीरपुर जिला की टीम का चयन करेगी और वो टीम विभिन्न वर्ग की जो टीमें होगी वो उन्ना में 28 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक जो प्रतियोगिता प्रदेश की हो रही है उसमें भाग लेंगे। इसमें जो प्राइज है